नमस्कार मित्रों, चलिए हम फिर आ चुके हैं गंडक नदी के किनार पर। और गंडक नदी जो है ये पूरे अपने जवानी पे आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बांध पे पूरी तरीके से जो पानी का टकराव है वो जारी है। हम 2 तारीख को आप लोगों को वीडियो बनाए थे, लेकिन ये पानी इतना नहीं था। हम वहाँ का भी सीन दिखा रहे हैं आपको। बतरदे में हम वीडियो बनाए हुए थे, तो वहाँ पर जो छठ की प्रतिमा है आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, वो उस दिन जब 2 तारीख को हम बनाए हुए थे तो पूरी तरीके से सूखे में थी। लेकिन आज अगर आप लोग देखेंगे तो जो प्रतिमा है वो पानी से ढक चुका है। चलिए अब हम आ चुके हैं बतरदे पंचायत और सोनबरसा पंचायत, दोनों पंचायत का यहाँ पे मिलान होता है। और ये एक ऐसा रास्ता था जिसे होकर दियर में जाया जाता था, लेकिन अभी दियर पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। इधर के कोई भी लोग दियर में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए कि जो पानी है वो पूरी तरीके से दियर में भर चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और वाल्मीकि बराज से अभी लगातार पानी छोड़े जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ के ग्रामीण है, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि अभी हालिया परिस्थिति क्या है, कब से पानी बढ़ रहा है। हालाँकि हम आप लोगों को तो जानकारी दे चुके हैं। क्या नाम पड़ी जी? राउर महेश यादव। कौ दिन से पानी बढ़ता? ये 4 दिन से। 4 दिन से, यानी हमरा बुझाता कि 4 तारीख हटे 1 तारीख से बढ़ता। जौन बांध के स्थिति बा के गनी से बा? बांध की स्थिति तो मैंने कहीं खराब बा, कहीं अच्छा बा, यही बना था धरा था। जहाँ से ढलान हमारा बुझाता कि पानी अगर उभर आई तो यही से ढूले लगी। ढूले लगी ना, यही से ढूले लगी। अभी दूसरा जगह का बात छोड़ी तो यही से वो पार जाए लगी, यही से जाए लगी। और जगह तुर दी, बहुत जगह खराब बा। रहुआ तो नहीं आई है, नजदीक में आई। बानवा के जौन स्थिति बा, रउवा हिसाब से कहाँ कहाँ में गड़बड़ बा? अरे महाराज, तो हरेक जगह गड़बड़े बा। अब बुझी जे जहाँ भी बा तहाँ भी बांध कमजोरे बा। ये बेरा कोई आवता ही जब पूछे देखे, आ एकरा पहले जब सुखा रहता था कोई नहीं आवत पूछे, आ कोनो मरम्मत बांध के नहीं हो। आ मरम्मत होई तब नहीं अच्छा रही, तो जौना बेरा करे बढ़िया था तब। हाँ, सब अफसर यहाँ पहुँचे रहे, आ जब पानी नहीं के रह तो कोई अफसर के जब पता नहीं के। हाँ 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 हाँ, तो बुझी जे हरेक जगह डैमेज बा। कहीं गड़ा पानी से टूटल बा, कहीं पानी दबता, लेकिन कोई पहले ना देखे भाई। आ जब पानी आई तो देखे तो गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी चले लगते रहे, गाड़ी तारीख से गाड़ी दौड़ रहा। हाँ हाँ हाँ, सारे सारे अफसर पहुंचे हुए, लेकिन पहले एक अफसर के पता नहीं थे। यानी और पानी एकरा से हमरा बुझाता कि 2 फीट 2.5 फीट बढ़ता। हाँ हाँ, तब खतरे बा भाई, खतरे खतरा बा। तब देखी ना जे लोग के पहुंचता है। हाँ, लेकिन ये मेरा लोग अभी तक ले अभी अस्थायी बा, लेकिन अब एक आगे बढ़ता है तब देखी जे के लोग पहुंचता। समाज ना मिली हमनी के पर रह के। हाँ, इतना लोग धावे लगी, लेकिन रे मेरा लोग अभी तक ले सारा अफसर आवत रहे। अब धीरे 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 धीरे। हाँ, एक पहले कोई अफसर के पता ना रहा, टूट जाए तो फिर ना पता भाई, फिर टूटी तो भगना सुरे है ये जनता बस से भोग हो। और बहुत मुंह ऊ जानो, लेकिन पावली के कोई देखे वाला या लोग नहीं थे। और से कुछ राहत आई तो कुछ अपने कोटाई या कुछ ए जी कहां भेटाई? ए जी तो ओइ बेला कर जाओ तो रे बरौलिया को रोरा जाई, यानी आने तो पहुंचबे ना करी। अच्छा रहुए लोग के अब तो फिलहाल मान ली कि दियर में गोइल बंद हो गई लोग। हां साफ सोच ले। हां वॉइस ने कि से जात लेना नहीं के, एको डेंगी के साधन पाई जा। एको डेंगियो के साधन रहित तब जाई आदमी 2 बजा खरई खर काट के ले खियाई, तो एको सरकार हमके डेंगियो देले बा। ए पर बन होए पर देखत नहीं कि सारा भैंस हो स्कूल। हां सारा माल जाल ही बाने पे बड़े सुन। अगर एको साधन है जे सरकारी मिली जे दवारा रही तो लोग जाई तो 2 पाजा घास काट के ले आई ले आई तो खियाई, तब तब ये बेरा से लेके बुझी जे पानी ना हटी तब ले गजने बा, तबाही गजन बा का करे। तो चलिए मित्रों, अब जो मामला है वो पूरी तरीके से बारिश पे डिपेंड है। अगर बारिश फिर से जोरदार होता है तो मुझे लगता है कि बांध कहीं ना कहीं छटकेगा, छटकेगा, बाकी नहीं रहेगा। हाँ मजा बाज जाए। और जो स्थिति है यहाँ के लोग तो बोल रहे थे कि भाई अब इसको सहने का हमको घाटा ही हो गया है, क्या कीजिएगा। इनका जो कहना है कि यहाँ पे सरकार द्वारा एक डेंगी यानी नाव का भी व्यवस्था नहीं है ताकि ये लोग उस पार जा सके, और कुछ जो घास फूस है अपने जनावर का
जानवर के लिए ये लोग काट के ला सके तो इस तरह की भी कोई सुविधा नहीं है। इसमें बहुत से ऐसा भी होता है कि बहुत से जब बांध टूटता है तो बहुत से लोगों पे विपदा आ जाती है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो धन कमाने का भी एक जरिया बन जाता है। तो चलिए, जिस तरह की भी गंडक की परिस्थिति बनेगी हर दिन हम आपको इससे वाकिफ कराते रहेंगे और लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे कि गंडक की स्थिति क्या है, पानी कहां तक बढ़ा और कहां तक घटा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।